हाय फ्रेंड्स, तो आज आम यही वीडियो रे ऑस्टेट 2022 रे जो एग्जाम है तारो हमें फिजिक्स रो डिटेल सॉल्यूशन देखिवा, तो दैट इज अनऑफिशियल। तो वीडियोटा को स्टार्ट करने पूर्व फर्स्ट मुझे कही दूँ, जो मैंने भी ओएभीएस 2022 किंबा सीएचटी एग्जाम किंबा जेटी प्रिपेरेसन करने चाहते, तले जो नंबर दिखाई ये नंबर में आपण मैंने कंटाक्ट करके पेड बेंच रे जॉइन हो पारे एंड से सब फैसिलिटी मिले। ओएभीएस रे सब फैसिलिटी, सीएचटी रे सब फैसिलिटी मिले एंड जेटी रे सब फैसिलिटी मिले। तो जो मैंने भी जॉइन होगा चाहते जॉइन हो पारे। तो आज आम वीडियोटा को स्टार्ट करवा एंड क्वेश्चन आम क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी वी। वी वेलोसिटी रे गोटे ऑब्जेक्ट को ऊपर को कौन करा जाउची थ्रो करा जाउची। इफ एयर ड्रग इज नॉट नेग्लेक्टेड, जदि आम एयर ड्रग को नेग्लेक्ट करिबा नाही ताहले सेठी आमर गोटे फोर्स इनक्लूड हो जिवो, दैट फोर्स होची ड्रग फोर्स। तो व्हाट कैन बी इन्फ्रेड अबाउट द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सी ए जिनसटा पचारची, तो टाइम ऑफ एसेंट कौन, टाइम ऑफ डिसेंट कौन। टाइम ऑफ एसेंट होची जेते बेले हमर ऑब्जेक्ट तलु ऊपर को जाउची एंड डिसेंट मीन्स जेते बेले गोटे ऑब्जेक्टटा ऊपर तलु को आसची। तो तार से रिलेशन पचारची, ऑप्शन ए रे दिआइची टाइम ऑफ एसेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट, ऑप्शन बी रे दिआइची टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट, ऑप्शन सी रे दिआइची दीटा जाको इक्वल एंड ऑप्शन डी रे रिटार्डेशन प्लेस नो रोल इन द काइनेमेटिक्स ऑफ द बॉडी दिखाई। तो आम क्वेश्चन को देखा सी कौन कौन गोटे ऑब्जेक्ट को आम थ्रो करवा ऊपर को, सपोज यहाँ आमर गोटे ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट को आम ऊपर को कौन कले थ्रो कले। तो सपोज ये वी वेलोसिटी रे गला ऊपर को गला परे एतिकी हाइट गला ऊपर को पहुँचला पर एठी तार वेलोसिटी केते हेगला जीरो हेगला, तो सी स्टॉप हेगला। तो केते हाइट गेन कला सपोज एच हाइट सी गेन करिछि। तो जेते बेले गोटे बॉडी ऊपर को जाउछि एटा थिला तार कौन इनिशियल पोजीशन, एटा थार थिला इनिशियल पोजीशन, दैट पोजीशन इज फाइनल पोजीशन। तो जेते बेले गोटे बॉडी तलु ऊपर को जाउछि आमर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी अछि सी डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिबो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिबो एंड सी कौन कहि इफ एयर ड्रग इज नॉट नेग्लेक्टेड, जदि याकु आमे नेग्लेक्ट करिबा नाही ताले ड्रग फोर्स गोटे आसिबो। जदि बॉडी ऊपर को जाउची ताले एयर ताको कौन करिवाकु पड़िबो डाउनवर्ड रे ड्रग फोर्स लगेबाकु पड़िबो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे गोटे कौन आसिबो ड्रग फोर्स आसिबो किंबा एयर रेजिस्टेंस फोर्स आसिबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे, ताकु मु आर रे डिनोट करूची, दैट फोर्स को आर रे डिनोट करूची। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे हमरो कोन लागिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जी एंड ड्रग फोर्स, जो ड्रग फोर्स लागिची ड्रग फोर्स इक्वल टू कोन हिजबो जदि ए बॉडी रो मास थिबो कोन बॉडी रो हमरो मास अछि एम, ताले ड्रग फोर्स हमरो कोन हिजबो ड्रग फोर्स इक्वल टू आर ए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ताहले आमर एक्सेलरेशन कौन हो आर ए बाय एम हो आर ए बाय एम हो। एठी मु आर लिखी तो आर ही यहाँ को लिखी दूची ए लिखुनी आर। तो ये होगा आमर एक्सेलरेशन ड्रग फोर्स जो आमर एक्सेलरेशन ए रो वैल्यू आम देखिले ए इक्वल टू आर बाय एम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जी। तो एबे देखिबा आमे बॉडी कौन हो तलु ऊपर को जाउची, तो ये आमर कौन हो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कौन आम जानचे वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कौन हो आमर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आमर कौन हो नेट एक्सेलरेशन केते हो जी प्लस ए, जी प्लस ए। तो ये आमर कौन होगा वी डिवाइडेड बाय वी जोटा आमर एठी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी प्लस आर बाय एम, ये हेगला आमर टाइम ऑफ एसेंट एतिकी मिलला आमको टाइम ऑफ एसेंट एतिकी मिलला। देन एबे जदि आमे टाइम ऑफ डिसेंट देखिवा
टाइम ऑफ डिसेंट मु नेक्स्ट पेज रे देखौछि जते बेले हमर ऑब्जेक्ट कोन करूछि ऊपर तल को आसूछि तो एठी हमर वी वेलोसिटी तो ये एच हाइट गेन कला तो बॉडी जते बेले ये थिला एबे कोन हो जाउछि ये इनिशियल पोजीशन एंड ये हमर फाइनल पोजीशन। तो एही केस रे हमर कोन होउछि जो जी लागिवो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी सी ये तो डाउनवर्ड लागिवो बट आमर जो ड्रैग फोर्स एबे को डायरेक्शन रे लागिवो बॉडी कोन डाउनवर्ड डायरेक्शन रे मोशन करूछि बॉडी आमर ऊपर तल को आसुछि तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन रे लागिवो ये गला ड्रैग फोर्स आर। तो आर रो वैल्यू कोन हेजबो एम ए ताले ए हमको केते मिलिवो एठी सेम आर बाय एम। तो ए डायरेक्शन रे एबे आमे जदि देखिबा बॉडी रो डायरेक्शन ऑफ मोशन को डायरेक्शन रे छि बॉडी रो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ए केस रे जदि आमे टाइम ऑफ डिसेंट देखिबा तारो वैल्यू कोन हिजो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए हबो कारण जदि आमे बॉडी को देखिबा अपवर्ड डायरेक्शन रे ड्रैग फोर्स लउची तो जी माइनस ए हे गला। तो याकु जदि देखिबा वी जी माइनस आर बाय एम जी माइनस आर बाय एम। तो एही केस रे टाइम ऑफ एसेंट को देखंतु सेठी कोन होउची वी डिवाइडेड बाय जी प्लस आर बाय एम एंड टाइम ऑफ डिसेंट कोन होउची वी डिवाइडेड बाय जी माइनस आर बाय एम होउची। तो एठी दीटा जाको वैल्यू हमरो सेम अछि बट एही केस रे हमरो डिनोमिनेटर रो वैल्यू अधिका अछि कारण एठी प्लस होउची एंड टाइम ऑफ डिसेंट केस रे डिनोमिनेटर रो वैल्यू कम होउची कारण सेठी माइनस अछि ताले हमरो टाइम ऑफ एसेंट अधिका हबो ना टाइम ऑफ डिसेंट अधिका हबो तो हमरो टाइम ऑफ एसेंट कोन हबो कम हबो टाइम ऑफ डिसेंट हमरो अधिका हबो टाइम ऑफ डिसेंट हमरो कोन हबो अधिका हबो। तो आंसर हमरो कोन हे जो ऑप्शन बी इज हमरो आंसर बट जति एठी कहितांता सिए हमरो ड्रैग फोर्स नेग्लेक्टेड सिए कहितांता एई सेंटेंस टा सिए नोट न लिखी कि नेग्लेक्टेड कहितांता ताहले हमरो कोन आंसर हेतांता ऑप्शन सी आंसर हेतांता कारण सेई केस रे ए रो वैल्यू कोन जेतांता जीरो हे जेतांता ए रो वैल्यू जीरो हे गेले वी बाय जी एंड एठी भी हमरो कोन हेतांता ए रो वैल्यू जीरो तो वी बाय जी तो सेथिपाई ऑप्शन सी हेतांता बट एठी जो हमरो कहला एयर ड्रैग फोर्स अछि दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करिवा हमरो 42 क्वेश्चन से कोन कहउची ए बॉडी फ्लड्स इन ए लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एयर कंटेनर इन ए बीकर। तो गोटे बीकर आम फर्स्ट देखा ये गोटे सपोज बीकर बीकर रे आमर किसी लिक्विड रखाई जहाँ भी वाटर अच्छे तो इफ द होल सिस्टम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्राविटी सी कौन कहूँगी सी कह गोटे जो बॉडीटा आमर ताको होल सिस्टम कनसीडर करके सी कहला सी जो फॉल्स करुच्ची फ्रीली अंडर ग्राविटी देन द अप थ्रस्ट फोर्स से कौन पचार अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड। तो अप थ्रस्ट फोर्स आमर कौन हुए अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू आमर कौन हुए वेट ऑफ बॉडी रो वी जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम एंड जी। तो जदि मु कहिबी एबे ये थिला अप थ्रस्ट फोर्स आमर वैल्यू एतिकी तो मु जदि एई केस रे कहिबी आमर बॉडी रो सपोज गोटे बॉडी अछि सीए ए एक्सेलरेशन रे डाउनवर्ड डायरेक्शन रे आसिला तो अप थ्रस्ट फोर्स रो एक्सेलरेशन ए हबो। तो एई केस रे आमर अप थ्रस्ट फोर्स कोन हे जबो रो वी जी माइनस ए हे जबो एई केस रे आमर कोन हे जबो रो वी जी माइनस ए हबो बट सीए कोन कहउची आमर बॉडी जो होल सिस्टम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्राविटी होची ताहले ए केस रे हमर एक्सेलरेशन रो वैल्यू केते हिजबो जी हिजबो ताहले रो वी जी माइनस जी हे गला जी जी कोन हिजबो जीरो हिजबो तो आंसर कोन आसीबो जीरो दैट्स व्हाई आंसर हिजबो हमर ऑप्शन डी हिजबो यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउची नेक्स्ट क्वेश्चन दीटा वेव रो इक्वेशन दियाइची ये गोटे इक्वेशन दुटा इक्वेशन रु सी पचारे आमको कौन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रो फॉर्मूला कौन ए रिजल्टेंट
ए रिजल्टेंट इक्वल टू हमें कौन लिखो दीटा वेव, तो ए वन रो स्क्वायर प्लस ए टू रो स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव ए जिनसटा ये है आम यार रूट ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये गला फॉर्मूला। तो यही केस रे आम को जो देखा आम दीटा इक्वेशन दीटा इक्वेशन गोटे अच्छे साइन रो वेव गोटे अच्छे कॉस रो वेव जदि मुझ कह फर्स्ट वेव को मुझे यही टाइप लिखिपारि कि ना जो वाई वन अच्छी ताको मुझे टाइप लिखिपारि कि ना ए कॉस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय सिक्स यही भाया लिखिपारि फर्स्ट इक्वेशन को तो दुटा जाक कॉस हो गला किंबा आम कॉस को भी चेंज कर पार साइन रे तो यही भाया लिखिपारि या कोई आमर जो दुटा इक्वेशन अच्छी से आम्प्लीच्यूड कौन अच्छी एटी भी ए अच्छी एटी भी ए अच्छी आम्प्लीच्यूड दुटा इक्वेशन रे आम्प्लीच्यूड ए अच्छी तो ए रो स्क्वायर ये भी ए रो स्क्वायर ये इज वो टू इंटू ए कॉस फाइव तो ये आमर फाइव कौन फेज डिफरेन्स आम कमी काढ़ तो ये मुझे पाए बै टू माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय सिक्स तो फेज केते हिज जो दुटा इक्वेशन को देखा फेज इक्वल टू आमर हो पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स सी कौन हो गला एलसीएम जीव सिक्स ये हो थ्री पाए माइनस पाए तो सी आमर कौन हो टू पाए डिवाइडेड बाय सिक्स तो आंसर आसो पाए बाय थ्री तो कॉस पाए बाय थ्री रो वैल्यू केते 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री रो वैल्यू 1 बाय 2 तो ये आमर कौन हो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री 1 बाय 2 यार रूट ओवर 2 टू कैंसल आउट हो ताले आमर आसब केते ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये आमर कौन हो 3 ए स्क्वायर रो रूट ओवर तो एठु गोटे ए बार को पलै आसिबो दैट्स व्हाई रूट 3 ए हो आमर रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड रो आंसर जोटा कि ऑप्शन सी रे अच्छी तो आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौच 44 क्वेश्चन सी कौन कौच इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इनसाइड वाटर इनस्टेड ऑफ एयर से कौन कहला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आम करते कौटी करते एयर रे करते एयर बदल से सी कौच जदि आम व्वाटर रे करवा देन आम कौन हम व्वाटर रे करवा जदि देन कौन हम सी पचार तो सबुठी ऑप्शन रे देखी पारथुबे फ्रेंच 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 फ्रिंज फ्रिंज रो दिया है तो फ्रिंज आम जानी फर्स्ट आम जदि मु कह इन वाटर वाटर जदि कह स्पीड ऑफ लाइट कौन हुए स्पीड ऑफ लाइट कौन हुए डिक्रीज करे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज तो स्पीड इक्वल टू आम के जानचे फ्रीक्वेंसी लामडा तो फ्रीक्वेंसी आमर कौन हम ये तो फ्रीक्वेंसी जदि वेलोसिटी डिक्रीज करुच्छे दैट्स वाई गोटे टर्म ए दुटारु डिक्रीज कर तो वेवलेंथ कौन हो वेलोसिटी डिक्रीज करुच्छे मीन्स वेवलेंथ भी डिक्रीज करुच्छे तो जदि आमर वेलोसिटी डिक्रीज कला देन वेवलेंथ भी कौन हम आम डिक्रीज हम जदि वेवलेंथ डिक्रीज करुच्छे देन कौन हम फ्रिंजेस विथ इक्वल टू आम जानचे फ्रिंज विथ जोटा तार फॉर्मूला कौन वाई इक्वल टू आम जानते लाम्बडा डी डिवाइडेड बाय डी तो जदि आमर लाम्बडा डिक्रीज करुच्छे ताले आमर फ्रिंज विड्थ भी कौन हम डिक्रीज कर सो वाई रो वैल्यू कौन हम डिक्रीज कर तो आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी हो यार आंसर फ्रिंज विड्थ कौन होमर डिक्रीज कर आंसर हो गला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौच ए मेन्स नियर पॉइंट इज 0.5 मीटर एंड फर पॉइंट इज 3 मीटर जो 0.5 मीटर एंड 3 मीटर दिया एक्चुअली इमेज डिस्टेंस नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया पावर ऑफ स्पेक्टल लेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू सी नियर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली नियर एंड फर तो एक्चुअली जदि आम देखा नियर पाई फर्स्ट केस जोटा नियर पाई जदि देखा नियर केस रे आमर ऑब्जेक्ट के 25 सेंटीमीटर तो या मुझे साइन हिसाब से देखी माइनस 25 लिखिपारि
एंड आमर जो ये दिखाई कौन एटा जो इमेज डिस्टेंस वी केते हि जीवो वी माइनस 0.5 मीटर तो सी कौन हो माइनस 50 सेंटीमीटर तो मुझे जदि डायरेक्ट फॉर्मूला पकेबी 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू ताले एबे यार वैल्यू पकेबी पावर काढ़ आमको कौन दरकार एफ रो वैल्यू दरकार तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय माइनस 50 एंड यू भी माइनस अच्छी तो ये पॉजिटिव हो 1 बाय 25 तो याकू जदि आमे सॉल्व करबा 1 बाय एफ रो वैल्यू केते आसीबो 1 बाय 50 तो एफ रो वैल्यू आसीला आमको केते 50 50 तो आमे सेंटीमीटर रे नै छे तो सेंटीमीटर तो ता पई हमरो पावर केते हिजबो पावर इक्वल टू हिजबो हमरो जदि मीटर रे थांता ताले आमे 100 लेखिन होतंते तो 100 बाय एफ केते हिजबो 100 डिवाइडेड बाय 50 ये गला हमरो 2 डाइप्टर तो 2D तो आमे जदि देखिबा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रहे छि ताले नेक्स्ट आमको आरोटा भी काढिबा को पड़िबो जोटा जोटा फॉर ऑब्जेक्ट पाई दूर तो सेकेंड केस जदि आमे देखिबो फॉर पाई किंबा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पाई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट केस रे जदि आमे देखिबा ताले कोन हो सेम आमको कोन दरकार एफ दरकार तो जेते बेले हमरो डिस्टेंस पाई एठी हमरो कोन हिजबो एठी हमरो जो अटा कोन दिछि 3 मीटर दिया है जी, ये हेगला इमेज मीन्स वी रो वैल्यू दिया है जी, 3 मीटर जोड़ा दिया है जी, से कह रो वैल्यू दिया है जी, वी रो वैल्यू हमको दिया है जी, तो वी इक्वल टू माइनस 3 मीटर एंड यू ए केस रे कौन है जो इनफिनिटी दूर रहे जी ताले 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू तो ए केस रे जदि मु वैल्यू पुट करबी 1 बाय माइनस 3 माइनस 1 बाय इनफिनिटी तो इनफिनिटी रो रेसिप्रोकल कौन है जाए जीरो है जाए तो ये गला जीरो तो 1 बाय 3 कौन है जो माइनस माइनस 0.33 माइनस 0.33 1 बाय 3 कोटे सेकंड एठी एफ रो वैल्यू हो एफ रो वैल्यू केते है जो माइनस 3 तो पावर इक्वल टू 1 बाय एफ एठी मीटर रे छी तो सेति में 1 बाय एफ कोली तो 1 बाय माइनस 3 से कौन हो माइनस 0.33 आंसर कौटा हो आंसर हो ऑप्शन सी हो यार आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आउ गोटे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन दे ए डॉग ऑफ मास एम स्टैंड्स ऑन वन एंड ऑफ ए वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ एल एंड मास एम द प्लैंक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर If the dog walks from one end of the plank to the other end at a constant speed, then the resulting displacement of the plank pochachi. Plank ro resulting displacement ya fir relative displacement with respect to jo water. Karano, suppose mu eti kochi eti water achi. To ya upare amara kon achi plank gote achi. ये वाला फ्लोटिंग करुची यार मास दिया है ची कैपिटल एम एंड या ऊपर हमारे कौन अच्छी गोटिए डॉग अच्छी ये गला डॉग यार मास दिया है ची स्मॉल एम एंड यार लेंथ दिया है ची एल तो ये क्वेश्चन टाको हमें केमती सॉल्व करबा याको हमें सॉल्व करबा सेंटर ऑफ मास नहीं की याको हमें सॉल्व करबा सेंटर ऑफ मास जदि फर्स्ट देखिबी फर्स्ट केस मु जदि देखिबी सेंटर ऑफ मास काढ़ीबी पूरा सिस्टम रो मु कौन काढ़ीबी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम जदि मु काढ़ीबी काढ़ले कौन हिजबो सपोज सेंटर ऑफ मास जोड़ा मोजी एक्स नहीं गली सेंटर ऑफ मास एक्स तो सी कौन हिजबो फर्स्ट जदि हमें देखिबा ए जो प्लैंक प्लैंक रो मास एम एम तार सपोज डिस्टेंस केते हिजबो जीरो प्लैंक रो मास एक्स x1 डायरेक्ट फर्स्ट मु फॉर्मूला लिखि दउ छी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये गला m1 ये गला हमरो m2 दीटा बॉडी प्लैंक गोटे बॉडी ये डॉग गोटे बॉडी देन एवे जदी हमें देखिबा
एम ओन रैल्यू जो प्लांक मास एम तार डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कौन हो जीरो प्लस यार मास के स्मॉल एम इंटू सेंटर ऑफ मास एडी कोटे आसीबो तो डिस्टेंस केते जइबो l / 2 डिवाइडेड बाय m + स्मॉल m तो x रो वैल्यू केते आसीबो m l डिवाइडेड बाय 2 m एति के आसीबो सेंटर ऑफ मास पूरा सिस्टम रो हमरो केते आसीबो एति के आसीबो एबे मु कोन कहिबी डॉग हमरो कोन करची मूव्स करूची एई पॉइंट रो एई पॉइंट को एई पॉइंट रो एई पॉइंट को मूव करची तो सी जत्ते बेले मूव करूची डॉग तो मूव करूची बट ता सोई तो हमर कोन होची ई जो प्लैंक टा अछि ई प्लैंक भी सी कोन करिवो डिस्प्लेसमेंट करिवो प्लैंक भी हमर एबे कोन करिवो डिस्प्लेसमेंट करिवो तो सी जिन थोड़ा मु लिखुची वंस द डॉग मूव्स टू द other end of a plank let the plank wooden jo plank move by the distance se kete distance karu chi suppose ya mane jiba x not ne jiba एतिके डिस्टेंस से मूव करूची सो द सेंटर ऑफ मास केते हिजो सो द सेंटर ऑफ मास सी एम सपोज सेंटर ऑफ मास को मु एबे एक्स डैश ने कुची एक्स डैश इक्वल टू केते हिजो सेम मास केते छि एम इनटू सी के प्लैंक केते डिस्प्लेसमेंट कोला एक्स नॉट प्लस स्मॉल एम एबे स्मॉल एम एठी हमरो माइनस साइन आसी जबो माइनस स्मॉल एम केते डिस्प्लेसमेंट कोला स्मॉल एम जदी हमें देखिबा स्मॉल एम हमरो केते डिस्प्लेसमेंट करिवो एम एल बाय 2 माइनस एक्स नॉट कारण प्लैंक भी मूव करूची दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय एम प्लस एम एम प्लस एम तो याकू जदी मु लिखिबी कोन हेजबो एम ये कोन हेजबो माइनस साइन अछि तो एम प्लस एम हेजबो एठी कॉमन ब्रैकेट रे मु एक्स नॉट लिखी देली पुणी एठी आसी जबो एम एल माइनस एम एल बाय 2 आसी गला तळे आसी जबो एम प्लस एम तो एक्स डैश हमरो केते आसी जबो एबे जदी हमें देखिबा ये आसी जबो 2 यारो जदी हमें एलसीएम नबा 2 आसी गला 2 एम प्लस एम एक्स नॉट माइनस एम एल डिवाइडेड बाय 2 एम प्लस एम जत्ते बळे प्लैंक मूव करची सेंटर ऑफ मास हमरो एति के आछी बट जदी एही केस रे हमरो किछि भी कोन होची एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करू नै ए जो क्वेश्चन दिया आइची एठी हमरो क्वेश्चन रे भी मेंशन नै एक्सटर्नल फोर्स किछि एक्ट कोला कि नै जदी एक्सटर्नल फोर्स हमरो एक्ट करू नै ताले सेंटर ऑफ मास दीटा रो कोन हबो इक्वल हबो सिंस no external force jodi kichi no external force apply so center of mass of the system kon hejo unchanged hejo center of mass change hobo nai ताले x इक्वल टू x डैश मु लिखि पारिबी x इक्वल टू मु कोन लिखि पारिबी x डैश लिखि पारिबी तो हमरो x रो वैल्यू केते थिला हमें जो दी x को देखिबा x रो वैल्यू हमरो केते थिला m l डिवाइडेड बाय 2 m प्लस m एंड x डैश रो वैल्यू हमहु केते मिलला 2 m प्लस m x नॉट माइनस m l डिवाइडेड बाय 2 एम प्लस एम तो एठू ए वैल्यूटा कट हो गला देन हमरो केते आसीबो ये आसी जो 2 एम एम एक्स नॉट इक्वल टू 2 एम एल 2 हमरो कैंसिल आउट हो जबो 2 हमरो कोन हो गला कैंसिल आउट हो गला
देन एक्स नॉट इक्वल टू आमर केते आसीला ताले एम एल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम ये आसीला आंसर। तो एग्जाम रे आमे एते सब डिटेल लिखिबा नै डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास बार करी कि आकु इक्वल करी कि आंसर बार करिवार को ए सब लिखिबा बता नै। तो आंसर केते आसीला आमर एम एल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम जोटा कि ऑप्शन सी रे मेंशन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउछि नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री आइडेंटिकल चार्जेस दिया है वन माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो आमर गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छी ये गला कौन आमर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो तीन टी वर्टिसेस अच्छी वन टू थ्री एंड साइड दिया है 10 सेंटीमीटर मीटर रे कन्वर्ट कले केते हिजबो 0.1 मीटर हिजबो एंड यार वर्टिसेस रे केते चार्ज अछि 1 माइक्रो कूलम एति गेछि। तो से पचार छि हमहु को कोन पचार छि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो पूरा सिस्टम रो हमरो पोटेंशियल एनर्जी केते हिजबो 3kq² डिवाइडेड बाय ए ए हमरो कोन ए जो ट्रायंगल रो साइड। तो ये थिला तारो फॉर्मूला हमें जो काढ़ी की देखी थिले क्लास रे तारो फॉर्मूला कौन आसला एति के आसला जदी आकु मु लिखिबी एबे 3 के रो वैल्यू हमरो केते थाए 9 × 10⁻⁹ एति की इनटू 1 माइक्रो कूलम को मु लिखि परबी 1 × 10⁻⁶ रो कूलम एंड तारो स्क्वायर अछि डिवाइडेड बाय जो तारो डिस्टेंस केते छि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर कारण सब मु एसआई यूनिट रे लिखु छि एसआई यूनिट जो देखिबा आंसर कोथरे आसु छि देखि दवा के रो यूनिट हमरो कोन के रो यूनिट जो देखिबा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रो स्क्वायर इनटू चार्ज कोन छि कूलम रो स्क्वायर छि डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कोथरे छि मीटर याकु जदि हमें कैंसिल आउट करबा कूलम रो स्क्वायर कैंसिल आउट हे गेला मीटर गोटे मीटर कैंसिल आउट आसी गेला। तो न्यूटन मीटर आंसर कौन आसो जूल रे आसो देखी देखे हमें आंसर या को जदि हमें काटिबा 10⁻⁹ एपटे कौन हो 12 हो ताले एपटु आसला 3 × 9 = 27 × 10⁻⁹ इंटु 10⁻²⁻¹⁰ डिनोमिनेटर जोटा थी ऊपर को नहीं गली। तो यूँ आम देखा 10 होगा -2 ती आस 0.27 जूल जोटा कि आमर ऑप्शन ए रे मेंशन अच्छी। तो आंसर आसीगला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि 48 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्विनिंग फोर्क ऑफ ए इज 3% मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्टैंडर्ड फोर्क। तो सी कौन कहला दुटा ट्विनिंग फोर्क अच्छी ये आमर स्टैंडर्ड ट्विनिंग फोर्क जहाँ को ना दे दिली एस एंड ये आमर गोटे ट्विनिंग फोर्क ए। तो सी कौन कह The frequency of a twinning fork of A is 3% more than the standard twinning fork. तो यार frequency केते हिज वो एफ ए सपोज यार frequency एफ एस अच्छी यार frequency एफ एस कौन कहले 3% मोर ता माने 103 डिवाइडेड बाय 100 एफ एस देन से कौन कह फ्रिक्वेन्सी ऑफ अनदर ट्विनिंग फोर्क बी इज 3% लेस देन द स्टैंडर्ड ट्विनिंग फोर्क। तो यहाँ स्टैंडर्ड अच्छी या ठार आउ गोटे ट्विनिंग फोर्क अच्छी बी यार फ्रिक्वेन्सी सी कौन कहला 3% लेस ता माने 97 / 100 एफ एस देन सी कौन कह फोर्स ट्विनिंग फोर्क जो ए आउ बी प्रोड्यूस कर 6 beats/s ता माने एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 6 beats/s। तो एफ ए रो वैल्यू कहते 103/100 एफ एस माइनस यार कहते 97/100 एफ एस इक्वल टू 6। तो या जदि हमें सॉल्व करिबा 100 एलसीएम जीव 100 आमर कौन जीव एलसीएम जीव तो ये आसीज कहते एफ एस 6/100 इक्वल टू 6 देन एफ एस इक्वल टू आमर कहते आसीज 6 कैंसिल हो 100 आसीगला। तो आंसर आमर कौटा हो स्टैंडर्ड ट्विनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी पचार छि तो आंसर हो जइबो ऑप्शन ए हो जइबो यार आंसर। तो याको हमें शॉर्टकट भी करि परथांदे जदि स्टैंडर्ड ट्विनिंग फोर्क को हमें 100 मानि नै रहंते तो ये हमर केते जाय थांदा 103 जाय थांदा
एंड ये आमर केते जन था 97 आस्तंदा जदी यार डिफरेंस देखिवा आमर 6 होची कि नाही 6 होची 103 रु 97 माइनस कोले आमर डिफरेंस केते होची 6 ता माने आमे डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पुट करके भी करि पारथन एंड ऑप्शन जदी भी पुट करिवा आमर ऑप्शन ए रे ही 100 होची तो इयर आंसर बहुत जल्दी आसी जाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहूची द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन इज ग्रेटेस्ट फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट्स, को कलर से पचारछि। एक्चुअली यार आंसर कोन हबो रेड लाइट हबो, कारण आमे जदि देखिवा डिफ्रैक्शन पैटर्न रे जदि देखिवा, डिफ्रैक्शन पैटर्न जदि देखिवा से कोन हुए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित हुए वेवलेंथ सहित, डिफ्रैक्शन जो पैटर्न था से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित हुए वेवलेंथ जोटा हमर लैम्डा सहित, एंड वेवलेंथ सबुठारु कहार अधिक अछि रेड रो, तो आंसर के हबो ऑप्शन सी हबो। नेक्स्ट आंसर देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहू छी, नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमको फिगर गटे दिया है छी लॉर्ड वाई एक्सिस रे लॉर्ड दिया है छी जोड़ा फोर्स एंड एक्स एक्सिस रे हमको इलोंगेशन दिया है छी, तो ए क्वेश्चन टाको देखी की फिगर जने देखी के भी कहि पारिबो जे एटा हमरो स्ट्रेस स्ट्रेन रो क्वेश्चन, तो सेठी हमको कोन पचार छी थिनेस्ट वायर कोटा पचार छी जो चारटी ओयर दिया है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी या भीतर थिनेस्ट ओयर कौटा एंड प्रत्येक ओयर सेम मटेरियल रे तैयारी ता माने सेम मटेरियल मीन्स कौन यंग मॉडुलस टा सेम हे, तो आम जाने स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस को सिग्मा सिग्मा रे डिनोट करे एंड स्ट्रेन को मु स्मॉल ई रे लिखे, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित हुए स्ट्रेन सहित, तो या जदि आम देखा प्रोपोर्शनालिटी टाक हटेबा यंग मॉडुलस ई आसीबो एक मुझे ये लिखुनि डायरेक्ट लिखुनि सिग्मा इक्वल टू ई के मोर कौन कैपिटल ई यंग मॉडुलस स्मॉल ई होगा स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू हमर कौन हुए सिग्मा बाय ई एंड सिग्मा जोटा सिग्मा कौन है स्ट्रेस, स्ट्रेस रो वैल्यू कौन फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन रो वैल्यू कौन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एतिकी दिस तो जिनसो हमें जानचे। नेक्स्ट एवं आम करवा कौन थिनेस्ट ओयर पहुँचार, थिनेस्ट ओयर पर आम ओयर जो देखा ओयर क्रॉस सेक्शन केमती थाए प्राय ओयर क्रॉस सेक्शन जिते भी आम ओयर देखा तार क्रॉस सेक्शन थाए सर्कुलर, तो सर्कुलर जीतु क्रॉस सेक्शन तो जो ओयर रण थी रेडियसटा कम थी से ओयर टा थिनेस्ट ओयर थी, जो ओयर रेडियस कम थी सी थिनेस्ट ओयर, तो एरिया आम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन काढ़ा केमती एरिया इक्वल टू कौन हो पाए आर स्क्वायर पाए आर स्क्वायर, तो मुझे लिखी पार्टी एटी मुझे लिखी पार्टी पी बाय पाए आर स्क्वायर ये ऊपर को पड़े एल बाय चेंज इन लेंथ ये लिखी पार्टी। देन एबे जो मु फोर्स को देखी ओनली फोर्स को देखी एंड इलोंगेशन मीन्स चेंज इन लेंथ को देखी फोर्स एंड लेंथ को देखी, तो फोर्स पी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ कौन हो चेंज इन लेंथ ही गला, तो ये जो ई गोटे सेकेंड पाए आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एल एतिकी जो पाए आर स्क्वायर इनटू ई डिवाइडेड बाय हमर कौन हम एल हम, तो एबे हमको क्वेश्चन रे जो दिया है लोड कौन फोर्स इलोंगेशन कौन चेंज इन लेंथ, तो यार जो दिया हमें स्लोप देखिबा स्लोप मीन्स कौन एटा ये ओ ए रो स्लोप एटा ओ बी रो स्लोप एटा ओ सी रो स्लोप एटा ओ डी रो स्लोप एटा, तो आमे जदि प्रत्येक रो स्लोप देखिबा स्लोप कहार कम अछि सबुटारु स्लोप जोटा थीटा टेन थीटा कहार कम अछि ओ ए ओयर रो हमरो स्लोप सबुटारु कम अछि, तो लोड वर्सेस इलोंगेशन जदि आमे देखिबा हमरो स्लोप एठी को जिंसडा आइजो ई तो हमरो कांस्टेंट अछि ई आमर कौन अच्छी स्लोप आमर पूरा ये जिनसटा हो पाए आर स्क्वायर इनटू ई बाय एल ये गला आमर स्लोप एंड ई आउ एल तो कांस्टेंट ताले स्लोप इक्वल टू मु लिखि परिबि स्लोप एंड पाए भी कांस्टेंट, तो स्लोप का सहित प्रोपोर्शनल होची रेडियस सहित रेडियस रो स्क्वायर सहित स्लोप प्रोपोर्शनल होची त
ता माने स्लोप जहार कम अच्छी तार रेडियस भी कौन हम कम हे ता माने स्लोप जहार कम तार रेडियस भी कम दैट्स व्हाई ओएर स्लोप कम अच्छी तार रेडियस कम एंड जहार रेडियस कम ता माने सी होची हमर थिनेस्ट ओयर दैट्स व्हाई आंसर इज हमर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 51 क्वेश्चन सी कौन कहू एटी दिया है हमको फोर्स एंड टाइम रो ग्राफ दिया है फॉर ए लिनियर मोशन इज सोन इन द फिगर बिलो द सेगमेंट सोन आर ऑल सर्कुलर सर्कुलर दिया है द लिनियर मोमेंटम गेन बिटवीन 0 and 8 seconds 0 to 8 seconds पर्यंत आमर लिनियर मोमेंटम पचार तो फर्स्ट आमर कौन आसी जाऊँ नेगेटिव आसी जापर आम पॉजिटिव आसपर नेगेटिव आस तो आम यही पॉजिटिव को देखा एंड या देखा आमर कौन हो प्लस एपटे भी आम दीटा को मिसे दबा नेगेटिव टर्म को सी गोटे हाफ सर्किल होपटे गोटे पॉजिटिव रे हाफ सर्किल तो से माने कौन हो कैंसिल आउट हो डायग्राम देखिकी जना पड़ी दैट्स व्हाई आम आंसर कौन ऑप्शन डी जीरो कैलकुलेशन करूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौन द मैग्निफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो मैग्निफाइंग पावर दिया है 8 मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू कौन मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू एफ ओ जोटा ऑब्जेक्ट ये गला आईपीस इक्वल टू के 8 ये जिनसा दिया है आमको एंड तापर दिया है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 54 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आम कौन लिखू एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू 54 तो एठू आमको पचार द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मीन्स एफ ओ रो वैल्यू पचार आईपीस रो पचारनी एफ ओ जो ऑब्जेक्टिव पचार तो आम एफ ओ रो वैल्यू के एफ ओ इक्वल टू 8 एफ ई तो एटी गोटे सेकेंड एटी आमको 8 एफ ई रो वैल्यू काढ़ पड़ो एफ ई के एफ ओ बाय 8 तो एठू आमको से वैल्यूटा पुट करवा एफ ओ बाय 8 इक्वल टू 54 ये के ये आमर 9 एफ ओ प्लस एफ ओ इक्वल टू 54 इंटू 8 एलसीएम नहीं कि मुझे डायरेक्ट लिखिदेली तो ये आमर के सॉरी ये 8 हो तो ये गला 9 एफ ओ इक्वल टू 54 इंटू 8 9 रे कैंसल आउट कले 6 देन एफ ओ रैल्यू के 8 6 48 तो आंसर है 48 जदि ये आईपीएस रो पचार देन आंसर के 48 जदि ये माइनस कर दे था एफ ई आम के बाहर जाता 6 बाहर था तो आंसर होता 6 बट एक केस 48 हम कारण सी ऑब्जेक्टिव रो पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कहे इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व इज आई नॉट व्हेन द वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड द इंटेंसिटी बिकम्स तो मैक्स आमर जो इंटेंसिटी आम देखू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे सी कौन हुए रूट ओवर ऑफ आई वन प्लस रूट ओवर ऑफ आई टू यार कौन हुए स्क्वायर हुए तो सी इफ जदि आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू मु आई लिखी ताले आमर आई नॉट रो वैल्यू केते हिजबो 4 आई हिजबो वैल्यू पुट कले 4 आई आसीबो तो आमको आई रो वैल्यू केते मिलिबो इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 मिलिबो आई रो वैल्यू गोटे जोड़ा गोटे दीटा यंग्स डबल स्लिट रे आई रो इंटेंसिटी रो वैल्यू आई नॉट बाय 4 मिलला हमको एतिकी मिलला तो जत्ते बेले से कहू छी व्हेन वन स्लिट इज क्लोज ता माने आई टू रो वैल्यू कौन हो जीरो हो दैट्स व्हाई आई नॉट रो वैल्यू केते हो वन स्लिट जदि हमें क्लोज कर दवा या डैश लिखि दउ छी तो से हो आई आई वन इक्वल टू आई एंड आई रो वैल्यू केते आई नॉट बाय 4 तो आंसर हमर केते हिजबो ऑप्शन ए हिजबो यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कोची नेक्स्ट क्वेश्चन कोची द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 दीटा प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन तार रेडियस रे रेशियो दिया है जी R1 बाय R2 दिया है जी हमको केते 4 दिया है जी त माने याको 4 बाय 1 एंड मास रो रेडियस देनी द मास ऑफ प्लैनेट 1 M1 इज 32 टाइम्स हेवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट 2 M2 तले ये केते हिजबो M1 बाय M2 32 बाय 1 देन हमको बचाची रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी तो वेलोसिटी हमर केते एस्केप वेलोसिटी रो फार्मूला 2 gm बाय r यार रूट ओवर
ताले वी वन रो वैल्यू आमर केते हिजबो वी वन बाय वी टू रो वैल्यू टू जी एम वन बाय आर वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ टू जी एम टू बाय आर टू। टू जी तो कैंसल से कैंसल आउट हो तो डायरेक्ट मु रूट ओवर लिखी दूची एम वन बाय एम टू इंटू आर टू बाय आर वन। तो आमर एम वन बाय एम टू रेसीो के 32 बाय वन इंटू आर टू बाय आर वन बट आमको ये मेनसन अच्छी आर वन बाय आर टू तो ये आमर रिवर्स हो बाय फोर हो तो आसो रूट ओवर अफ एट। रूट ओवर अफ एट आम कमी काल्कुलेसन करवा टू टू तो टू रूट टू एनसर आसीजर अपसन बी एनसर आमर के आसीगला अपसन बी। नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन देखा जोटा 55 क्वेश्चन 55 नंबर सी कौन कौच सी कौच द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो गोटे आमर स्फीयर अच्छी यहाँ गला स्फीयर यार रेडियस के आर अच्छी एटू आर डिस्टेंस रे आमर जो कौन कहला सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आमर इ अच्छी तापर सी कौन कह हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग द ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफिनिटी। तो इनफिनिटी ठारे इनफिनिटी मीन्स बहुत दूर रे क्यू नॉट रो गोटे चार्ज अच्छी दैट चार्ज को आमको ए पॉइंट को आनबा को हेले आमको केते वर्क डन करबा को पड़िबो सी पचार क्वेश्चन रे क्वेश्चन रे सही जिनसोटा आमको सी कौन कह पचार। तो आम जदि से जिनसटा को आनवा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इनिशियल तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आमर जीरो हो एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आमर के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट ई आर हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एतिक गला क्यू नॉट जो आमर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कौन पोटेंशियल एनर्जी ये मुझे साइड्रे लिखिदे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आमर कौन चार्ज इनटू पोटेंशियल भी हमें कहूँ एंड पोटेंशियल इक्वल टू के पोटेंशियल जोटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस डिस्टेंस के आर तो चार्ज क्यू नॉट ई आर देन सी कौन पचार वर्क डन इक्वल टू आमर कौन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई तो यूएफ रो वैल्यू क्यू नॉट ई आर ये गला जीरो तो आंसर आसो यू नॉट ई आर तो आंसर आमर कौटा हो आंसर ऑप्शन ए यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच नेक्स्ट क्वेश्चन कौच ए 100 वाट एंड 200 इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट सप्लाई द पावर कंजप्शन वुड बी। तो आमको पचार 160 वोल्ट्स जिते बड़े आम सप्लाई करवा तो सही केस रे आमर पावर केते हो गोटे बल्ब रे तो रेजिस्टेंस एटा जदि आम कह बल्बटा यार ये रेजिस्टेंस तो यही बल्ब रे आमर पावर केते दिया पावर दिया 100 वाट एंड ये वोल्ट के 200 वोल्ट तो रेजिस्टेंस केते हो यही बल्ब रो ही रेजिस्टेंस आमर केते हो आर रेजिस्टेंस इक्वल टू केते आमर रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी कारण एठी आमको आउ किछि मेंशन नाही तो जदि 200 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करबी तो केते मिलिबो आमको 400 ओम रेजिस्टेंस मिलि गला। सेम बॉल रे सेम बॉल एटा बॉलटा यार रेजिस्टेंस आमको मिलि गला केते 400 ओम एंड एठी आमे एबे वोल्ट जो आमर वोल्ट्स 160 वोल्ट्स तो एठी पचार छि पावर पावर इक्वल टू केते हिजबो पावर इक्वल टू हिजबो वी स्क्वायर बाय आर वी छि केते 160 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आमर केते छि मिलला 400 तो याकु जदि आमे सॉल्व करिवा 160 इनटू 160 डिवाइडेड बाय 400 जीरो जीरो कैंसिल आउट हिजबो देन 4 4 जे 16 तो ये आसी जबो 64 वाट बट बहुत जन भी करेंगे एमती भी करेंगे सॉल्व या को पावर इक्वल टू बट एक केस रे आंसर हमारा अलग आस
पावर इक्वल टू वी आई तो से माने आई बाहर करते पी केते दिया हमको 100 वोल्ट केते दिया 200 तो 1/2 एम्पीयर करंट आसी गला तो सेकंड केस रे से पावर पहुंचर छी वी आई वी केते है छी हमको 160 करंट केते मिलला हमको 1/2 800 वाट ए केस रे हमरो 800 वाट बाहर छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया जी ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स इन ए सर्कुलर एट ए 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड द रेडियस ऑफ सर्किल इज 2×10⁻⁶ मीटर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो मैग्नेटिक फील्ड पचार डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला रखुची फॉर्मूला कौन 2πnq/r×10⁻⁷ यूनिट कौन आसे एन ए मीटर तो ये हमारा कहाँ पाई फॉर एन रिवॉल्यूशन पाई तो हमें वैल्यू पुट करीबा 2π रिवॉल्यूशन केते दिया है जी 10 रिवॉल्यूशन क्यू रो वैल्यू हमको केते दिया है जी 1 कूलम 1 कूलम दिया है जी देन इनटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर रो वैल्यू केते दिया है जी 2×10⁻⁶ दिया है तो आपको जब हमें कैंसिल आउट करीबा कैंसिल आउट है जो 10 कैंसिल आउट होगा 2 तो पाई आसीबो आंसर केते आसीबो पाई यूनिट आसीबो न्यूटन ए रोडियो एन तो आंसर आसी जो ऑप्शन सी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कोची 2 identical parallel plates ए बढ़िया दीटा पैरेलल प्लेट अछि दीटा पैरेलल प्लेट्स 2 identical parallel plates यार जो डिस्टेंस था हमें कौन लिखो स्मॉल डी रे लिखो यही भाया तो डायग्राम को लिखे दूसरी फर्स्ट क्वेश्चन बुझे 2 identical parallel plates कैपेसिटर ऑफ सेम डायमेंशन जॉइंट इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स व्हेन वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ वन कैपेसिटर इज ब्रॉट क्लोजर टू द अदर प्लेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन रे कौन दिया है 1 and 4 से कह 1 and 4 ये दुटा करेक्ट हो पारे किंबा कह 2 and 4 ये दुटा करेक्ट हो पारे किंबा कह 3 and 4 ऑप्शन सी रे कह ऑप्शन डी रे कह 2, 3, 4 करेक्ट हो पारे ता माने आमे जदि देखिबा ऑप्शन सबुतिरे ऑप्शन 4 को से कोन कह करेक्ट कह ऑप्शन 4 को से कोन कह करेक्ट कह ऑप्शन 4 को करेक्ट कह देखा ये 3टा ऑप्शन भितर आम कौटा करेक्ट हेबो 3टा ऑप्शन भितर आम देखा कौटा करेक्ट हेबो तो आम जाने सी इक्वल टू आम कौन जाने ए ये गला परमिटिविटी फ्री स्पेस एंड डी एंड आम जाने डी कौन हुए लेस 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 देन एरिया हुए तो डी जो डिक्रीज करुच्छे दुटा पैरेलल कैपेसिटर मध्य जो डिस्टेंसटा डिक्रीज करुच्छे देन आमर सी रो वैल्यू कौन हम इनक्रीज करिवो कैपेसिटेंस इनक्रीज करिवो एंड आम सी रो आउ गोटे भी फॉर्मूला जानचे कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाय डेल वी तो इफ सी जदि इनक्रीज करुच सी इनक्रीज करुच देन आमर कौन हो देन यो डेल वी सी कौन कर डिक्रीज कर वोल्टेज आम कौन कर डिक्रीज कर तो मैंने देखा या भितर को ऑप्शन टा कौन वोल्टेज डिक्रीज करने तो हमें जदि देखिबा द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर हुज प्लेट्स कम क्लोजर द ग्रेटर देन द वोल्टेज वोल्टेज कोची ग्रेटर देन ता माने ऑप्शन 1 हेबोनी। नेक्स्ट देखिबा द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर हुज प्लेट्स कम क्लोजर इज स्मॉलर देन द वोल्टेज कोन कोची इट इज स्मॉलर ताले आंसर कोन हिजबो ऑप्शन 2 हिजबो ताले आंसर हमर कोन हिजबो ऑप्शन बी हिजबो यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कोची 59 रे 59 रे कहो द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 2 एम्पीयर एन एसी एमिटर इज कनेक्टेड जदि करिबा टू द सर्किट ताले आमर करंट केते आबो बोली पचार छी ताले आमे जदि एवरेज करंट देखिबा एवरेज करंट रो फार्मूला कोन आई कॉस 0 माइनस कॉस पाई डिवाइडेड बाय पाई एटा थिला यार फार्मूला तो एटा एक्चुअली डेरिवेशन रो आसी छी मु डायरेक्ट इटी कोन कली फॉर्मूला लिखी देली तो कॉस 0 रो वैल्यू केते
वन एंड कॉस माइन पाए कि वन एटी रैल्यू माइनस वन ताने आई ये इज वन माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय पाए तो ये आम के टू आई बाय पाए टू आई बाय पाए ताले आई एवरेज आमर के टू आई बाय पाए बट आई एवरेज आमको केते दिया है टू आई तो टू टू कैंसिल आउट हो गला ता माने आई आमको केते मिलला आई मिलला आमको पाए एति की मिलला देन से कौन कुछ जदी एसी एमिटर आमे कनेक्टेड करिबा ता माने आई आरएमएस आमर वैल्यू केते आई बाय रूट टू आई रो वैल्यू पाए मिलला पाए बाय रूट टू तो आंसर आमर केते इजबो ऑप्शन बी इजबो यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कुछ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर हैविंग सेल्फ गोटे इंडक्टर अच्छी एल आउ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करिबा बैटरी तार ईएमएफ एटी ई हमरो स्विच भी थिबो देन गोटे सेकंड मो स्विच फर्स्ट ऑन दिए एल एंड रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ईएमएफ जहाँ ई दिया जी विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आमर जो थाए ताकू आमे नेग्लिजिबल करिबा देन से पचार छी आमर फाइनल वैल्यू ऑफ करंट तो करंट आमर जते बेले टी इक्वल टू 0 सेकंड देखिबा देन टी इक्वल टू इनफिनिटी देखिबा देन सेते बेले आमर करंट केते हे जाय टी इक्वल टू इनफिनिटी रे फाइनल वैल्यू ऑफ करंट आमर ई बाय आर हे जाय ई बाय आर हे जाय तो से हिसाब से जब देखा फाइनाल वैल्यू ऑफ करंट क्या उपर डिपेंड होची ई उपर डिपेंड होची ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस उपर डिपेंडेड होची एंड एल उपर से कौन होची इंडिपेंडेंट तो आंसर आमर कौन हो आंसर हो ऑप्शन सी। तो आमर ऑस्टेट रे जति भी क्वेश्चन आसला आम सब क्वेश्चन को देखिले एंड जदि ये कौन सी मिस्टेक अच्छे आपण मैंने कमेंट करूँ एंड दैट इज अनऑफिशियल तो आंसर आसे जना पड़ तो यहाँ मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कली जदि कौटी मिस्टेक अच्छे आपण मैंने जनइबे तो थैंक यू।